लुप्तता की कगार पर खड़ा जम्बूद्वीप का रहस्यमय ज्ञान। दोस्तों, आज के समय में हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसे एशिया कहा जाता है, लेकिन जो महाद्वीप हजारों वर्षों से जम्बूद्वीप कहा जाता था उसका नाम कुछ सदियों पहले बदलकर एशिया कर दिया गया, और हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारतवर्ष से इंडिया कर दिया गया है। यानी जैसे आपकी दादी ने आपके नाम को बदलकर आर्यन से माइकल कर दिया हो, और ऐसे बहुत सारे शहर, गांव, नदियां, पर्वत और प्रदेशों के नाम बदल दिए गए ताकि हम अपनी असलियत को भूल जाएं। आज कोई नहीं बता सकता कि भारतीयों के लिए जो महत्वपूर्ण मेरू पर्वत था वह आज कहां है, और इसी तरह महेंद्र, मलय, श्रृंगी, श्वेत और गंधमादन जैसे पर्वत हम भारतीयों की मेमोरी में से डिलीट हो चुके हैं। आपको यह नहीं बताया जाएगा कि पूरे एशिया में आपके किन पूर्वजों का शासन था और पूरे एशिया में किस सनातनी भगवान की पूजा की जाती थी। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि भारतवर्ष में आर्यों के साथ कौन सी अन्य जातियां रहा करती थी। अरे, आपसे यह भी छुपाया जाएगा कि जम्बूद्वीप का नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। तो इससे पहले कि हम यह भी भूल जाएं कि हम सनातन धर्मी थे, आइए हम अपनी मेमोरी को रिस्टोर करने का प्रयास करें। दोस्तों, जम्बूद्वीप का नाम कैसे पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में बताया जाता है कि जम्बूद्वीप का नाम, इस महाद्वीप में जामुन के पेड़ अधिक थे इसलिए इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि जम्बूद्वीप में, यानी कि एशिया में सबसे अधिक बांस, सागवान, नीम, पीपल, बरगद और आम के वृक्ष पाए जाते हैं। जामुन के पेड़ का नंबर इसमें कहीं भी नहीं आता है। तो यह बात बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती कि जम्बूद्वीप का नाम जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा होगा। फिर यह बात कहां से आई कि जम्बूद्वीप का नाम जामुन के पेड़ के ऊपर से पड़ा है? तो यह बात महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 7 में से ली गई है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिण और निषद्ध पर्वत के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात है। हे भरत श्रेष्ठ, उस वृक्षराज की ऊंचाई 1100 योजन है। उसकी ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। उसके फलों में जब रस आ जाता है, अर्थात जब वे पक जाते हैं, तब अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2500 अरथनी मानी गई है। हे राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और वे भूतल पर रजत सदृश रस बहाया करते हैं। हे जनेश्वर, उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरु वर्ष में पहुंच जाता है। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती है। उस जम्बू नदी से जाम्बू नंद नामक सुवर्ण प्रकट होता है। तो आपने देखा कि संजय ने जम्बूद्वीप के नाम के बारे में कितना विचित्र वर्णन किया है। यहां पर संजय ने एक निश्चित लोकेशन पर एक विशाल सुदर्शन नाम के जम्बू वृक्ष की बात कही है। याद रहे कि यहां एक ही जम्बू वृक्ष कहां है, वृक्षों की अधिकता का कोई वर्णन नहीं है। और इसी बात को आधार बनाते हुए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जम्बूद्वीप का नाम जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा है। लोगों ने यह जानने का प्रयास तक नहीं किया कि संजय आखिर में कहना क्या चाहते हैं। संजय यहां वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वृक्ष इतना बड़ा नहीं हो सकता, और वृक्ष के ऊपर से फल गिरने से धमाके की आवाज नहीं हो सकती, और उस फल में से रजत यानी कि चांदी जैसा सफेद रस निकलता है। यदि जामुन के फल में से रस निकलता है तो वह जामुनी रंग का होगा, चांदी जैसे सफेद रंग का नहीं, और उस रस में से एक पूरी नदी बहने लगे, यह बात मानने योग्य नहीं है। फिर यह नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई उत्तर कुरु प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां उस नदी में से जाम्बू नंद नाम का सोना प्रकट होता है। भला जामुन के रस की नदी में से सोना कैसे प्रकट हो सकता है? तो यहां पर संजय हमें कुछ और ही बात बताना चाहते हैं, और इस बात को जानने के लिए हमें नीलगिरी पर्वत और निषद्ध पर्वत की लोकेशन को पता करना होगा, और इन पर्वतों का लोकेशन आपको गूगल मैप में नहीं मिलेगा। तो हम कैसे इन पर्वतों का लोकेशन पता करें? तो यहां आगे बताया गया है कि यह नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती है। तो सबसे पहले हम मेरु पर्वत के लोकेशन को जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरु का संस्कृत में अर्थ होता है उच्च या उन्नत। मेरु का अंग्रेजी में अर्थ होता है माउंटेन पीक, यानी कि पर्वत शिखर। मेरु शब्द के अन्य अर्थ भी है,
जिसमें मेरु का अर्थ होता है उच्चतम बिंदु, एक मंदिर का ऊंचा शिखर, तथा हम जिस जपमाला से जप करते हैं उसके सभी मनकों में सबसे बड़ा मनका, जो सब मनकों के ऊपर होता है, उसे मेरु कहते हैं। तो मेरु पर्वत यानी कि ऐसा पर्वत जो सभी पर्वतों में सबसे उच्चतम हो। तो जम्बूद्वीप में ऐसा कौन सा पर्वत है जो सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है? तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? जी हां, आप सही सोच रहे हैं। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो मेरु पर्वत यानी कि आज का माउंट एवरेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य तो मिलने चाहिए जिससे इस बात को बल मिले कि माउंट एवरेस्ट ही मेरु पर्वत है। तो मेरु पर्वत के बारे में भीष्म पर्व में ही बताया गया है कि मेरु पर्वत के दक्षिण में जम्मू द्वीप का भारत है, उत्तर में उत्तर कुरु वर्ष है, पूर्व में भद्राश्य वर्ष है और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। तो माउंट एवरेस्ट को यदि हम मेरु पर्वत माने, जो सबसे ऊंचा भी है, तो उसके दक्षिण में भारत वर्ष है, यह एकदम सटीक बैठता है। उसके उत्तर में उत्तर कुरु वर्ष है यानी कि आज का तिब्बत। लेकिन हम कैसे माने कि तिब्बत ही उत्तर कुरु वर्ष है, जहां से जामुन के रस की नदी बहती है? तो संजय उत्तर कुरु वर्ष के बारे में बताते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष के लोग जाम्बू नंद नाम के सोने के आभूषण देवताओं को पहनाते हैं, और वे लोग जो आभूषण पहनते हैं वे इंद्रगोप के जैसे लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो आप कहेंगे कि यह इंद्रगोप क्या है? तो यह इंद्रगोप एक लाल रंग का कीमती रत्न पत्थर है जिसे कर्नेलियन स्टोन कहा जाता है, जिससे बने आभूषण हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनते थे और इसका निर्यात दुनिया के कई देशों में करते थे। आगे संजय बताते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष के लोगों का रंग उगते हुए सूर्य के जैसा लाल है। तो चलिए तिब्बत के लोगों के साथ इस दोनों बात की समानता को देखते हैं। तो तिब्बत के लोग जो आभूषण पहनते हैं वह बिल्कुल ही इंद्रगोप के जैसे ही दिखाई देने वाले लाल रंग के मनकों से बने हैं, और तिब्बत के लोगों के चेहरे के रंग को भी यदि हम देखते हैं तो वह भी उगते हुए सूर्य के जैसे लाल रंग के दिखाई देते हैं। आगे संजय बताते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जिसे भारुंड कहा जाता है, और यह पक्षी मरे हुए लोगों को उठाकर ले जाता है। और इस भारुंड नाम के पक्षी की पहचान यह है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग दिखाई देती है। तो ऐसा पक्षी आज भी तिब्बत में पाया जाता है, और आज भी वे मरे हुए लोगों को उठाकर ले जाता है। तिब्बत में आज भी मरे हुए लोगों को इस भारुंड नाम के पक्षी को, जिसे गिद्ध या वल्चर कहा जाता है, उसके सामने डेड बॉडी को रख दिया जाता है, और यह पक्षी उस डेड बॉडी को खाते हैं और उठाकर ले जाते हैं। यह उनकी आज भी बरकरार रखी गई अंतिम संस्कार की एक विधि है। तो इन सारी बातों से यह सिद्ध होता है कि तिब्बत ही उत्तर कुरु वर्ष है और माउंट एवरेस्ट ही मेरु पर्वत है। तो इन दो तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरु पर्वत के पूर्व वाला चीन का प्रदेश भद्राश्च वर्ष है और पश्चिम की साइड वाला प्रदेश केतुमाल वर्ष है। तो अब हम जान सकते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष यानी तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी है जो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके निकलती है। तो ऐसी एक ही नदी है और उसका नाम है यारलुंग त्सांगपो, जिसे हम भारतीय लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से पहचानते हैं। लेकिन इस नदी का नाम हमें कहीं भी जम्बू नदी देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक मिनट ठहरिए, क्या चाइना वाले इसे जम्बू नदी कहते हैं? तो चीन में भी इसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, और यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको यही नाम जानने को मिलेगा। लेकिन यह उसका अंग्रेजी में किया हुआ अनुवाद है। असली चाइनीज भाषा में इसे यारलुंग झंगबो नदी कहते हैं। चाइनीज भाषा में झंगबो का अर्थ नदी होता है, और यारलुंग झंगबो का अर्थ है पहाड़ों से नीचे की ओर बहता हुआ सफेद बर्फ का पानी। तो अब हम फिर से संजय की कही हुई बात पर आते हैं। तो यदि ब्रह्मपुत्र ही जम्बू नदी है, तो इस नदी को जन्म देने वाला सुदर्शन नाम के जम्बू वृक्ष का मतलब नदी को जन्म देने वाला ग्लेशियर हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर में जब एवलांच आता है या भूस्खलन होता है तब भारी धमाके की आवाज होती है और उसमें से बर्फ का सफेद प्रवाह बहने लगता है। उसे ही संजय ने चांदी जैसा सफेद रस बहने लगता है ऐसा कहा है, और उसी बर्फ के सफेद रस में से नदी जन्म लेती है। लेकिन संजय ने तो कहा है कि नदी में से सोना भी उत्पन्न होता है। तो भूस्खलन में मिट्टी के साथ बहुत सारी कीमती धातुएं भी पर्वत के ऊपर से बहकर नदी में चली जाती हैं, और उसमें सोना भी होता है। और भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनकी मिट्टी में से सोना पाया जाता है,
और ब्रह्मपुत्र यानी कि जंबू नदी भी उनमें से एक है, क्योंकि तिब्बत का एरिया गोल्ड रिच एरिया है और चीन इस प्रदेश में से गोल्ड माइनिंग करना चाहता है, जिसका तिब्बत के लोग विरोध करते हैं, और यह सोना नदी में से उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जंबू नंद कहते हैं। जंबू यानी नदी और नदी में से उत्पन्न हुआ सोना यानी जंबू नंद सोना। तो अब हमें यह पता चलता है कि जंबू द्वीप का नाम जंबू नदी यानी ब्रह्मपुत्र के ऊपर से पड़ा है, और जंबू का अर्थ नदी भी होता है, यानी कि जंबू द्वीप यानी कि ऐसा द्वीप जहां नदियां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हो। तो यह बात भी सही साबित होती है कि दुनिया में यदि सबसे अधिक नदियों वाला महाद्वीप है तो वह है एशिया यानी कि जंबू द्वीप। तो जंबू द्वीप का नाम जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण नहीं, लेकिन जंबू यानी कि नदियों की अधिकता के कारण पड़ा है।